नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। काफी समय से फिल्मों से दूर हैं, इक्का दुक्का फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्हें शायद ही किसी और फिल्म में देखा गया हो। हम बात कर रहे हैं जरीन खान। जरीन खान को सुपरस्टार सलमान खान ने साल 2010 में अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म वीर में लॉन्च किया था। अपनी शुरुआत के दौरान जरीन की तुलना कैटरीना कैफ के साथ की गई थी क्योंकि उन्होंने पाया कि वो उनसे मिलती जुलती है। हालांकि अपने करियर में कैटरीना कैफ जैसी किस्मत नहीं दिखा पाई। वीर के बाद जरीन खान ने फिल्में पाने के लिए काफी संघर्ष किया। अब भी वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। HIT से बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें बॉलीवुड में काम क्यों नहीं मिल रहा है और उनकी क्षमता का अभी तक अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपनी बातचीत में उन्होंने इस बारे में बात की कि वो अभी तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब क्यों नहीं हुई हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आगे कहती हैं, सबसे पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए सबसे अहम बात ये है कि बहुत सोशल हो, सभी पार्टियों में शामिल हो और लोगों से जुड़े रहें। किसी तरह अपने करियर की शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और इन पार्टियों में दिखना अपने काम के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा 34 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था, बिजनेस के लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए बहुत कोशिश की, मेरे पास मौके की कमी थी। इस समय मुख्य बात यह है कि हर कोई सबका दोस्त है और वो अपने दोस्त के साथ काम कर रही है। अगर लोग बॉलीवुड में अपने दोस्तों की सिफारिश करते रहेंगे तो मेरे जैसे लोगों को काम कैसे मिलेगा। अभिनेत्री को लगता है कि उनकी प्रतिभा को अभी तक फिल्म निर्माताओं के जरिए खोजा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे एक लेवल पर नहीं जानते हैं और इसलिए वो मेरी क्षमता को नहीं जानते हैं। उन्होंने मुझे स्क्रीन पर जो देखा है उसके आधार पर मुझे आंका है। वो फिर से बहुत सीमित हैं क्योंकि मुझे पर्याप्त मौके नहीं मिले। वो हकीकत में मुझे एक मौका देने के लिए तैयार नहीं है और वो मुझे सिर्फ एक हॉट आई कैंडी से पर देखते हैं। जरीन ने अक्सर इंडस्ट्री में मोटी होना शर्मिंदगी की बात कही है। कथित तौर पर दावा किया है कि अभिनेत्रियों को उनके साइज और रूप से परे नहीं रखा जाता। खैर, हमें उम्मीद है कि जरीन के लिए चीजें जल्द ही बदल जाएंगी और उन्हें वो मिल जाएगा जिसकी वो हकदार हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइफ।